इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बाराबंकी से। बाराबंकी शराब मामले में जिला आबकारी अधिकारी बाराबंकी सस्पेंड। बाराबंकी में जहरीली शराब से मौत का मामला। मंत्री जयप्रताप सिंह ने यशन दुबे को सस्पेंड किया। आबकारी के 5 हेड कांस्टेबल सस्पेंड किए गए। आबकारी के 5 सिपाही भी सस्पेंड किए गए। अब तक बाराबंकी में 10 लोगों की मौत हुई है। डीजीपी ने भी सीओ इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया। रामनगर के सीओ इंस्पेक्टर सस्पेंड किए गए। सीएम ने मामले की जांच प्रमुख सचिव को दी। प्रमुख सचिव आबकारी को मामले की जांच दी। सीएम मामले की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। सुनील कुमार, सुनील कहाँ रहते हो? ये हादसा कैसे क्या? ये रानीगंज का मामला है। हम रानीगंज में रहते हैं। हमारा वो हमारे चाचा हैं जिनकी मौत हुई है जहरीली शराब पीने से। कम से कम कितने लोग? लगभग में वो 11 बजे ख़त्म हुए हैं और एक ही परिवार के 4 लोग ख़त्म हुए हैं और पास पड़ोस के 4-5 लोग और ख़त्म हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लगभग में 20 लोग और बीमार हैं जहरीली शराब पीने से। जो ये ठेका चला रहे हैं शिवम जायसवाल, रजनीश जायसवाल और राहुल जायसवाल, ये रानीगंज जहरीली शराब बनाकर बेच रहे हैं। इस पर कोई कभी कार्रवाई हुई? सर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है क्योंकि उनको उनसे लोग डर रहे हैं। वो अपना दबदबा बनाए हुए हैं। अगर कह रहे हैं कि अगर हमारे बारे में कोई खिलाफ उठेगा उसे हम जान से मार देंगे। वो धमकी दे रहे हैं? हाँ धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हम एक एक को काट डालेंगे। मैं यहाँ से करीब 9:30 बजे घर पर पहुँचा। बहुत ज़रूरी काम था, मम्मी ने बुलाया था तो वहाँ पर ये हमारे चाचा जो थे इनको पेट में दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा दारू पिए होंगे ऐसे ही पक रहे होंगे। तो मम्मी ने कहा इनको डॉक्टर को बुलाओ, इनको देखो दर्द हो रहा है। तो मैं नहीं माना तो मैं डॉक्टर को लेकर गया। तो डॉक्टर आया तो डॉक्टर बोला कि ये इन्होंने पी रखी है, हम इनको कोई दवाई नहीं दे सकते। उन्होंने एनर्जी पाउडर एक दिया हमको, हाँ इसको गर्म पानी 1 लीटर पानी में सब खोला के थोड़ा थोड़ा पिलाओ। तो मम्मी को दिया, मैंने कहा 1 लीटर पानी में खोला के इनको थोड़ा थोड़ा पिलाओ। वो पिलाते पिलाते इनकी डेथ हो गई। उसके बाद वह हमारे चाचा ने पुलिस को फ़ोन किया तो हमारे कोतवाल साहब आए तो उल्टे हमको ही घर ले गए उठा के। और राहुल भाई को हमारे उतरे घनश्याम पाठक नाम था दीवान से, उसे राहुल भाई कर संबोधित कर रहे और हमको उठा के ले गए। और थाने पर मन माना बयान लिखवाया उन्होंने हमारे छोटे भाई से, फिर हमको साइन करवाया हमसे ज़बरदस्ती और एक सादे पेपर पर भी साइन कराया और हमारे साथ बस रुकी गई। मैं आपको मारा भी पीटा? मारा पीटा नहीं, हमको बहुत डर। मैं पहली बार थाने गया था, मैं बहुत नर्वस था। आपसे मैंने सादे कागज पे साइन करा जी सर। कौन कौन लोग शामिल हैं इसमें? कितने लोग? सिपाही एक का घनश्याम पड़ पाया, बाकी मैं बहुत डरा हुआ बहुत नर्वस था। मैं कुछ ठीक तरह मेरे पूरे हाथ पैर कांप रहे। लमसम आपके अड़ोस पड़ोस में कितने लोग खत्म होंगे? करीब 15-20 लोग। अभी ये कितने तक रिकॉर्ड जाएगा कुछ पता नहीं चलता। यहाँ पर जो है 4 लोगों की पुष्टि हो गई है। एक बॉडी जो है उसी में मोसी में एक बॉडी है और दो यहाँ पर जो है डॉट डेड। 3-2 लोगों का यहाँ पर इलाज चल रहा है। 5 और 2 लोगों को रेफर किया गया लखनऊ और एक और बताया गया। 4 की पुष्टि हो गई। अच्छा क्या हुआ था, किस तरह से घटना हुई है? अभी मिल रहा है, मैंने अच्छा है तो मैंने बताया कि रानीगंज बाजार में जो है कोई जो है अभी जांच का विषय है कि क्या ये जो बीमार है कितने लोग अभी तक जो है आप संख्या बता रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में देखिए यहाँ पर जो है 6 लोग जो है 2 ब्रॉड डेड जो गली जो लाए गए और लोगों का जो है गलत काफ़ी गंभीर था उसको जो है लखनऊ के रेफर किया गया और लोगों का यहाँ पर इलाज चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बाराबंकी से।